उपायुक्त सोलन के निर्देशानुसार अर्की नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव नगर पंचायत अर्की कार्यालय में उपमंडल अधिकारी नागरिक अर्की यादवेंद्र पॉल की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव के लिए निर्धारित कोरम पूरा रहा, जिसमें अर्की नगर पंचायत के 7 पार्षदों में से 5 पार्षद मौजूद रहे तथा 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्धारित कोरम जो कि 3/4 था पूरा रहा तथा वार्ड नंबर 2 पार्षद द्वारा अनुज गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया गया तथा वार्ड नंबर 1 की पार्षद निर्मला देवी ने उनके नाम का समर्थन किया व सर्वसम्मति से अनुज गुप्ता को पुंत नगर पंचायत अर्की का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर CPS संजय अवस्थी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो हमारा विकास का पहले पहिया चल रहा था उसको हम बढ़ाएंगे भाई संजय अवस्थी जी की अगुवाई में। इस चीज़ का सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे जो पार्षद साथी हैं, सभी शहरवासियों के साथ मिलजुल कर हम इस काम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार भी है तो सरकार के साथ माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके अगुवाई में हम अर्की को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। अनुज गुप्ता जी को पुनः प्रधान बनने, नगर पंचायत अर्की का प्रधान चुने जाने पर अपनी ओर से और सभी कांग्रेसजनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और साथ ही उनके सहयोगी जो पार्षदगण हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी में एकजुटता का परिचय देते हुए आज ये जीत हासिल करी है। और ये मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सभी को अधिकार है अपना विचार रखने का, अपना मत देने का, और उसी की बदौलत आज इनको चुना गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो कार्यकाल इनका नगर पंचायत में बचा है, सभी लोग एकजुट होकर अर्की नगर पंचायत के अर्की क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, और उसमें जो भी मदद मेरी तरफ से होगी, सरकार की तरफ से इनको चाहिए होगी, पूरी मदद जो है अर्की के विकास के लिए मेरी तरफ से मिलेगी, सरकार की तरफ से मिलेगी, यही मैं कहना चाहूँगा।